नो अबाउट NTSE यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। यह किन के लिए है, इस परीक्षा का स्कीम क्या है, कितने स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, आज इन सभी की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। सबसे पहले कि ये किन के लिए है, ये उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो वर्तमान में क्लास 10 में पढ़ रहे हो। वे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हो, यानी मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में अगर वो पढ़ रहे हो क्लास 10th में, तो वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब इसमें स्कॉलरशिप कितना मिलता है, इस परीक्षा को अगर आप क्लियर करते हैं, पास करते हैं, तो कितने स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। यह स्कॉलरशिप PhD तक दिया जाता है। चूंकि ये क्लास 10th में हो रहा है, तो जब आप 11 और 12 में होंगे तो आपको प्रतिमाह 1250 रुपये मिलेंगे, और फिर जब आप ग्रेजुएशन और PG में होंगे उस दौरान प्रतिमाह आपको 2000 रुपये मिलेंगे। PhD में UGC का जो उस वक्त का नॉर्म होगा उसके अनुसार आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जाम, किस तरह से इसमें एग्जाम होता है, तो इसमें जो एग्जाम होता है वो दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है स्टेट लेवल और दूसरा स्टेज होता है नेशनल लेवल। स्टेट लेवल का एग्जाम सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपनी ओर से आयोजित करते हैं। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक संख्या अलॉट की गई है, एक कोटा अलॉट किया गया है कि अपने स्टेट से इतने छात्रों को आप चुनकर स्टेज 2 के लिए भेजिए। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, झारखंड के लिए जो कोटा है वो 142 है, 142। नेशनल लेवल में सभी स्टेट से चुने हुए बच्चे भाग लेंगे, और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 2000 स्टूडेंट्स का होगा। दोनों ही स्टेज में जो सरकार की आरक्षण नीति है उसके अनुसार आरक्षण मिलता है। अब है कि जो परीक्षा होगी स्टेज 1 की और स्टेज 2 की, इन दोनों में जो पेपर्स होंगे वो कितने होंगे, तो ये दो पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा मैट का, यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षा। ये 100 नंबर का होगा और इसमें जो समय दिए जाएंगे वो 2 घंटे। पेपर 2 होगा सैट यानी स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 100 मार्क्स के होंगे प्रश्न, 100 मार्क्स के यानी 100 क्वेश्चन होंगे, और जो समय अलॉटेड है वो 2 घंटे। स्कॉलेस्टिक जो टेस्ट है इसमें साइंस के 40 प्रश्न होंगे, मैथ्स के 20 होंगे और सोशल साइंस के 40 प्रश्न होंगे। और विशेष यह है कि इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस या सिलेबस निर्धारित नहीं है, लेकिन जो प्रश्न होंगे उनका स्तर क्लास 9 और 10 का होगा। और एक विशेष बात, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब डेट क्या होता है एग्जाम का, जो स्टेज 1 होगा
वो प्रत्येक वर्ष नवंबर के पहले संडे को होता है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, लेकिन नागालैंड, मेघालय और अंडमान निकोबार को निकोबार में ये नवंबर के पहले सैटरडे को यानी शनिवार को आयोजित किया जाता है। और एक बात और विशेष बता दूं कि स्टेज वन का जो एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है वो स्टेट अपनी ओर से निकालता है। झारखंड में स्टेज वन का एग्जाम लेने का जिम्मेवारी जैक का है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। इसी तरह से अन्य स्टेट के जो काउंसिल है वो स्टेज वन का एग्जाम लेते हैं, और जो दिए गए कोटा है उन स्टेट को उतने स्टूडेंट्स का वो सिलेक्शन करते हैं, और फिर वो बच्चे नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठते हैं, यानी स्टेज टू का एग्जाम। और स्टेज टू का एग्जाम होता है वो सारे स्टेट का एक ही दिन होता है, वो प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे संडे को, दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। आशा है कि ये सारी जानकारियां से आपको फायदा होगा, और मैं उन सभी छात्र छात्राओं को सुझाव दूंगा जो क्लास 10th में बैठते हैं वे अवश्य इस परीक्षा में बैठें और अपने स्टेट का जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसको न्यूज़पेपर्स में देखते रहें, और जो एजेंसी है जो एग्जाम लेती है आपके स्टेट में उसके संपर्क में रहें। धन्यवाद।